सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। तो जनता को और आप इसकी समीक्षा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और डीजीपी सर के निर्देश पर हम लोग पिछले दो सप्ताह से जब से यह बिल पार्लियामेंट में लाए गए उसके बाद से लगातार लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं और आवाम के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से और जो क्लर्जी थे उन लोगों के सहयोग से हमारे जो चारों जनपद हैं वहाँ कहीं भी किसी तरह की कोई बात नहीं हुई, कहीं कोई आगजनी नहीं हुई, कहीं कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कहीं किसी चीज़ का नुकसान नहीं हुआ, ना कोई घायल हुआ। एक 323 की भी ज़रूरत मैंने लोगों को इस तरह की भी चोट नहीं, लेकिन चूंकि मौदहा हमारा एक सेंसिटिव कस्बा है, हम लोग पहले भी आए थे, पिछले सप्ताह भी हम लोग मौदहा आए और कप्तान साहब लगातार उस दिन भी यहाँ भ्रमणशील थे, तो यहाँ पर चूँकि पिछला जो इतिहास रहा लास्ट ईयर का एक सांप्रदायिक दंगे का यहाँ रहा, तो इसलिए लोगों में खासकर जो युवा है उन लोगों को समझाने के लिए कि सीए क्या नियम है, ये एक्ट क्या है, कानून क्या है, उसके बारे में आज हम लोग इस जगह पर रहमानिया मदरसे में हम लोग यहाँ पर आए, लोगों से अपील की और लोगों को उसके बारे में जो सच्चाई थी उससे अवगत कराया और लोगों को ये बताया कि अफवाह पर नहीं जाइए। जो जिन्न है ही नहीं, जो सच्चाई है ही नहीं, तो वो दिमाग में रहता है। जिन्न कोई चीज़ नहीं होती, वो खुराफात है, वो दिमाग में, उस दिमाग से उसको हमें हटाना है और हमें पूरा विश्वास है कि इस इलाके में जैसी अमन शांति बनी रही है इससे भी बेहतर अमन शांति है। आप लोगों के इस क्षेत्र में काफी दिन तक बुंदेलखंड के इस पार्ट में मराठों का राज, जब मराठों में और अफगानियों में लड़ाई हुई अहमद शाह अब्दाली से, तो मराठों के तरफ से लड़ने वाला सबसे मशहूर जो तोपची इस देश का हुआ इब्राहिम खान दारती था, मुसलमान। कोई भी लड़ाई इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं लड़ी है, कोई भी लड़ाई इस देश में धर्म परिवर्तन तलवार के दल पर नहीं हुआ। हिंदुस्तान इस मुल्क में अखलाक के बल पर आया, हिंदुस्तान इस मुल्क में नीली पीली खानकाह उसके बल पर आया, हिंदुस्तान इस मुल्क में कभी ऐसा नहीं हुआ कि तलवार से किसी ने काट दिया और ये हो गया। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है और इस बात को अपने लोगों को समझाने की जरूरत है। और खुदा ना करे जो मैं NRC की बात फिर विषयांतर हो गया कि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जिसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं ही, जिसके पास नहीं डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए आग लग गई या कुछ हो गया, जो मैं गांव का उदाहरण दे रहा था, तो गांव के प्रधान जी हैं या वार्ड में वार्ड पार्षद हैं वो लिख कर देंगे, सर्टिफाई कर देंगे नहीं ये मेरे गाँव का है, उसको भी मान लिया जाएगा। कम्युनिटी की उसमें जिक्र किया गया कि कम्युनिटी के लोग यदि कहते हैं और दो लोग उसको सर्टिफाई करते हैं तो उसको माना जाएगा वहां का नागरिक। इसीलिए इस चीज को जेहन से हटा दीजिए। यदि इनके पास पासपोर्ट है और ये कहते हैं कि फला क्या नाम है आपका, आपका नाम ऐसे ही बताइए, मोहम्मद बाकर। तो मोहम्मद बाकर साहब के पास कोई यदि डॉक्यूमेंट्स नहीं है और ये हमारे जो इमाम साहब हैं इनके पास पासपोर्ट है और ये पार्षद हैं और ये लीक कर देंगे नहीं बाकर साहब यहीं के रहने वाले हैं तो इनकी सिटीजनशिप रहेगी। ये हालांकि अभी NRC आया नहीं है, लेकिन जो आसाम में जो चीजें ली गई और जो चीजें लिखी हुई हैं, मैं उसके आधार पर आपको ये बातें समझा रहा हूँ, उस आधार पर आपको ये बातें कह रहा हूँ। इसीलिए अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते चीजों को समझने का प्रयास करिए और अफवाहों से दूर रहिए। इस देश की पूरी तंजीम, इस देश की पूरी जो मिट्टी है, हमारी महक है, ये महक गंगा जमुनी तहजीब की है। हिंदुस्तान अकेला मुल्क है, हिंदुस्तान अकेला इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश हम सबका जो साथ रहा, एक साथ हम लोगों ने जिया, हम लोगों का कल्चर एक साथ, बंगाल का हिंदू मुस्लिम, केरला का हिंदू मुस्लिम, पंजाब का हिंदू मुस्लिम, उत्तर प्रदेश का हिंदू मुस्लिम, वो एक दूसरे के ज्यादा करीब है बनिस्बत अपने धर्म के लोगों पर। एक बंगाली हिंदू और एक उत्तर प्रदेश का जो हिंदू है और जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है उसकी तहजीब एक दूसरे के ज्यादा करीब है बनिस्बत एक बंगाली मुसलमान और उत्तर प्रदेश का मुसलमान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई गांव हैं ऐसे जहां पर लोगों ने लोग मुसलमान हो गए, इस्लाम धर्म को कबूले हुए हैं, लेकिन आज भी उनके यहाँ एक साथ पंगत पर बैठकर लोग खाते हैं। जो जाट थे वही बूढ़े जाट बन गए, जो गुजर थे उनका धर्म परिवर्तन हुआ मुस्लिम गुजर बन गए, लेकिन आज भी वो साथ खाते। मैं मुजफ्फरनगर में जब SP था तो एक आदमी ने हमें बताया वहाँ जोला एक गाँव है जो सबसे बड़ा गाँव है मुसलमानों का और राजपूतों से कन्वर्टेड रांगरों का गांव है, रांगर कहते हैं जो राजपूत कन्वर्टेड वेस्टर्न यूपी में,
और उनकी जो चौराहट है अभी भी उस मुस्लिम गांव के पास है। डोला गांव के जो प्रधान थे, उनकी जो चौधरी थे, अभी भी जो श्राद्ध होता है, श्राद्ध में जो पगड़ी बंधन की रस्म होती है, वो रस्म पगड़ी पहनाने के लिए वही मुसलमान जाते हैं। तो इसका अर्थ कहने का क्या है कि धर्म लोगों ने बदल लिया, फिर भी हमारी तहजीब और हमारा कल्चर वही रहा, और जिस पर फख्र है हमारे देश को, जिस पर हम नाज सभी हिंदुस्तानी रखते हैं। इसलिए आप लोग अपने दिलों से, जहन से इस बात को, इस ख्याल को मिटाइए। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, इसके बाद किसी तरह की कोई बात की अब कोई गुंजाइश भी नहीं रहती है। लेकिन फिर भी यदि किसी साथी को किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो हमसे किसी प्रकार। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।